मुस्तफ़ा जट, उसका नाम है मुस्तफ़ा जट जी। आज 5 फरवरी यौम कश्मीर के हवाले से लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सेमिनारों का अहतमाम किया गया है और मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सामने मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर रैलियाँ निकाल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पीछे आप देख सकते हैं कि खाकसार तहरीक के कुछ शख्सियात मौजूद हैं और वो कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर रैली निकाल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इस रैली के शुरका में इस रैली को जो लीड कर रहे हैं मुस्तफ़ा जट साहब हैं, हम उनसे पूछते हैं कि कश्मीरियों के बारे में और उन पर ढाए जाने मुजालिम के बारे में उनका क्या कहना है। जी मुस्तफ़ा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर वास्ते सानू सारे साथियों सानू पूरे पाकिस्तान सानू हुकूमत अगे अपील करनी चाहिए कि साढ़े भरा ने और मुसलमान ने, असं उन्होंने नाल नहीं होवोंगे तो कौन होएगा। सानू निकलना चाहिए, किसान कहते सारी शाहरा गए, सानू शाहरा की सख्त जरूरत है। सानू कश्मीर वास्ते दिन रात कर देना चाहिए। कहते हैं पाकिस्तान 11 लाख माम मस्जिद है, माम मस्जिद एक एक बंदा नाल भी नाल ला के निकले तो 22 लाख बंदा बनता है। अभी कश्मीर वास्ते सुबह तुर पाइए तो सुबह, लेकिन असं तुर नहीं रहे, सानू टुरना चाहिए। और इंशाल्लाह तुरा खालसा तरीक का आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी मंशूर है, आखिरी इरादा है। असं इंशाल्लाह कश्मीर रोज़ा